मैट्रिक प्रश्नपत्र वायरल घटन बोर्ड कार्यानुष्ठान कर्तव्य में अवहेला चारोटी विद्यालय सुपरिटेंडेंट और इनविजिलेटर को माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर् निलंबित ढेंकानाल सुदर्शन विद्याभवन कोरापुट बंधुग्राम हाईस्कल नुआपड़ा बोडेन ब्लक करमंगल और बंधुग्राम हाईस्कल प्रश्नपत्र अनियमितता होता बोर्ड सभापति जहान आरा बेगम सूचना देते आज मातृभाषा ओडिया प्रश्नपत्र वायरल होता परीक्षा आरंभ होबार घंटाक पर नुआपड़ प्रश्नपत्र वायरल होगा खबर आसा यापर सारा राज्य में बुली मातृभाषा प्रश्नपत्र मैट्रिक प्रश्नपत्र वायरल घटन बोर्ड कार्यानुष्ठान कर्तव्य में अवहेला चारोटी विद्यालय सुपरिटेंडेंट और इनविजिलेटर को माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षर् निलंबित करा जाए टीचर एवं स्टूडेंट ही वायरल प्रथम आरंभ होता जो विषय कि तदंत कलापर कन्फर्म करमें जनवाक चाहू से स्कूल सेंटर सुपरिटेंडेंट तांकर जहाँ जो मैंने इनविलेटर थिले एवं जो पिला मैंने से विषय जानते समस्त संप्रुक्ति रही तापाई जहाँ श्रृंखलागत कार्यक्रम प्रथम बेसिस एफआईआर लॉज करा जाउची सस्पेंशन जहाँ कि तार कार्यानुष्ठान ग्रहण करिया कथा डिपार्टमेंट ताकू करा जिवो या छड़ा आम आहुरी खबर पाई अलग जगार सोशल मीडिया वायरल होई जोटा कि नुआपड़ार किसी स्कूल आसवर खबर होता एवं मोबाइल जोटा कि बारंबार मना करा नवापाई का निषेध करा व्यतिक्रम घटी मोबाइल हॉल भीतर को जाई एवं मोबाइल रे फोटो उठे कि से माने परीक्षा परे ताकू बाहर को पठे तार मध्य तदंत आपणकर जिला स्तरीय आपण शिक्षा अधिकारी आपणकर कलेक्टर एसपी समस्त साहाज्य नहीं करा जाएची एवं सेगुड़ा मध्य तदंत परे कन्फर्म हैला जे सेठारे मध्य इन्वॉल्वमेंट रही नुआपड़ार दुईटी स्कूल गोटे करमंगला हाई स्कूल बोडेन ब्लॉक रो आउ गोटे गोपीनाथपुर हाई स्कूल लिट्टी सारंगी से ही बोडेन ब्लॉक से ऑलरेडी श्रृंखलागत कार्यक्रम हिसाब से आम सेंटर सुपरिटेंडेंट आउ इन्विलेटर को सस्पेंड कर दि जाए ना एफआईआर लॉज करा जाए इन अधिक सूचना पाई फोनलाइन अच्छा प्रतिनिधि जय महांती जय विभ्राट परे वर्तमान कार्यानुष्ठान कौन कार्यानुष्ठान मुताबक नि सोमवार दिन इंग्राजी परीक्षा से नहीं व्यवस्था कौन कर देखु स्निग्धा प्रथम ओटीईटी कथा जदि कह से घटना मध्य सारा राज्य चर्चा होता चिंता बढ़े आज परीक्षा आरंभ प्रथम दिन पुणी प्रकार गोटे घटना सारा राज्य छात्र छात्री को अभिभावक निश्चित भाव में आंदोलित करी तबे आज जो घटना घटला वायरल है प्रश्नपत्र नहीं बोर्ड पक्षर जहां पदक्षेप नि 15 मिनट तले गोटे सांबादिक सम्मेलन में सूचना दी बोर्ड सभापति एवं जहां नारा बेगम जी रही जहां सूचना रही कहवा कथा हूँ आम कार्यानुष्ठान ग्रहण करुच्छी जो चारोटी विद्यालय रही नुआपड़ा जिलार दुईट रही ढेंकानाल जिलार दुईट और कोरापुट जिलार गोटे विद्यालय रही चारोटी विद्यालय में मुख्यतः गोटे बड़धरणर अनियमितता आम कहीपर खामखियाली नीति आम कहीपर कर्तव्य में अवहेला समस्त घटना घटी और वायरल पक्षर यही चारोटी केन्द्र में ही तो जो जो आक्टिविटी वायरल पक्षर मूल कारण से जहां बोर्ड पक्षर कारिज सेंटर सुपरिंटेंडेंट ता सहित जो इनविजिलेटर मान रही चारज प्राथमिक स्तर में आम पर्यायर कहीपर यही मानू ही केवल सस्पेंड कर तेरे परवर्त समय किए किए कह हाथ अच्छी किए किए इनवल्व अच्छा कौन से पिला हाथ अच्छी ना से संपर्क में बोर्ड तार आग को पदक्षेप नब तेरे ढेंकानाल को छाड़ी बाकी जो तीनो स्कूल आम कहीपर नुआपड़ा बोडेन ब्लक गोपीनाथ हाईस्कल और करमंगल हाईस्कल और कोरापुट बंधुंगा हाईस्कल हाईस्कल जो स्थानीय थाना रही तीनो हाईस्कल जो पाख थाना स्थानीय थाना एतला दि जा बोर्ड पक्षर जदि ढेंकानाल एपर्त एतला दि जाए तेब से ही एतला आधार में पुलिस तार तदंत को
ଆଗକୁ ବଢେଇବ ବାସ୍ତବିକ ଏଥିରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କାହାର ହାତ ରହିଛି, ଏବଂ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା ସେସବୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଲା ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ କେହି ନିଜର ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲ କ୍ୟାମେରାରେ ମୋବାଇଲ ଲେନ୍ସରେ କଏଦ ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଭାଇରାଲ ହବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଆମେ କହିପାରିବା। ତେବେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କାହାର ହାତ ରହିଛି, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଦିନ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବୋର୍ଡ ତାର କଲା ନିଜ ତରଫରୁ ନିଜର ପରିସର ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ତଦନ୍ତ କଲା ସେଥିରୁ ଯାହା ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ସେଇ ଆଧାରରେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟେ ଏବଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଯାଏ ତ ବାସ୍ତବିକ ୟାକୁ ରୋକିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହବ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବା ଦରକାର। ଯିଏ ଯିଏ ବି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯାହାର ବି ଏଥିରେ ହାତ ରହିଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ରୂପ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ହବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ରୁ ଦୃଢ଼ତର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କହିବା, ସିସିଟିଭି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ କଥା କହିବା, କି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ ମନା କଥା କହିବା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଚାରୋଟି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏବଂ ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି। 2830 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 5,70,000 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତଥର ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣରେ ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମଥର ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ହିଁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯାଇଥିଲା। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। 10:00 ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12:30 ସରିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏଥର 400 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ୟ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଦିନର ପରୀକ୍ଷା ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଲା, ପ୍ରିପାରେସନ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସିଥିଲା। ପାରାଲାଲ ସେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବିଥିଲୁ ଯେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଜମା ବି କଷ୍ଟ ନଥିଲା, ବୁକ୍ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଏତେ ଭଲ ବସିଲା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲି ଏତେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। 80% ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ସେ, ଏତେ ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତଲବ ବିଶ୍ୱାସ। ନର୍ଭସ୍ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଛି ମୋର। ଆମମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍ ଦେଇଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛୁ, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନସିକ କରିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହପରିବାର ସମସ୍ତ ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୁଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ହେଇ ନମ୍ବର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆମର ଯାହା ଯେଉଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମତଃ 6:30 ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସବୁ ନୋଡାଲ ସେଣ୍ଟରରୁ ଯାଇ 8:30 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 2953 ସେଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ଲଗାଉଛୁ, ପ୍ରାୟ 400 ଖଣ୍ଡେ ସେଣ୍ଟରରେ ଲଗାଇଛୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସେଣ୍ଟରରେ ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅଟକ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଏଟିଏସ୍ ସାହାରନପୁରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 10-12 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ନାଁ ମହମ୍ମଦ ଅଖତାର ଖାନ୍। ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈସ୍ ଇ ମହମ୍ମଦର ଦୁଇ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏଟିଏସ୍। ଏ ଦୁଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ୟୁପିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡିଜିପି ଓପି ସିଂଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସନ୍ୱାଜର ଘର କୁଲଗାମ ଏବଂ ଆକିବ ମହମ୍ମଦ ମଲିକର ଘର ପୁଲବାମାରେ। ସାହାନୱାଜ ଜୈସ୍ର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। ସେପଟେ ନିକଟରୁ ଏଟିଏସ୍ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବି ଜବତ କରିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାଦ ଜିହାଦୀ ଚାଟ୍, ଫଟୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ପୁଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। में हमने एक ऑपरेशन किया जिसमें हमने दो टेररिस्ट को पकड़ा है। वो जैश ए मोहम्मद से कनेक्टेड हैं, उनके पास से वेपन्स मिले हैं, लाइफ कार्ट्रिजेस मिले हैं, और इन दोनों को यहां पे रिक्रूटमेंट के लिए भेजा गया था और ताकि वो रेडिकलाइज कर सकें, रिक्रूट कर सकें। साथ ही साथ उनमें एक ऐसा है जो ग्रेनेड की नॉलेज रखता है। यहां से मेरा तो एक छोटा भाई ऐसा हुआ जो दुकान पे रहता है, वो मोहम्मद अख्तर खान है। और उसके बाद में जैसे सुबह होती गई तो फिर हमें इत्तला मिली कि एक कमरे वाले मुकम्मल हो गए हैं,
कितने बच्चे उठा के ले गए? और एक कमरे से कुछ बच्चे थे उनको भी उठा के ले गए। लगभग कितने होंगे टोटल? लगभग 10-15 तो हो सकते हैं। पुलिस को निर्वाचन सुपरिचालना चिंता एने भुवनेश्वर में ओडिशा समेत 6 राज्यर पुलिस अफिसर एक बैठक बसिता। बैठक में ओडिशा, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और पश्चिमबंगर पुलिस अधिकारी जोगद राज्य राज्य मध्य समन्वय अपराध नियंत्रण निर्वाचन को शांति श्रृंखलार शेष करवा निशा कारबार रोकवा उपर बैठक आलोचना निर्वाचन बेले छत्तीसगढ़, आंध्रप्रदेश और ओडिशा सीमार माओ हिंसा बढ़िबार आशंका रही यहां विभिन्न राज्य पुलिस बड़ चैलेंज यार मुकाबला राज्य राज्य मध्य किभली समन्वय रक्षा करा उचित ताहा गुरुत्व दी। बैठक में सीआईएसएफ, बीएसएफ, ओपीएस, एसओजी वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थे। स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स दे डू मेक ऑल एफर्ट्स टू have more violence inflicted in the area on security forces as well as on the civilians they perceive as police informers. क्रिमिनल मैंने जितेबले कौनसी क्रिमिनल एक्टिविटी करुछंती पुलिस स्टेशन रो बाउंड्री किंबा डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री किंबा स्टेट बाउंड्री किछि तांको पई रेलेवेंट नुह किंतु आमे मैंने जितेबले काम करुछु क्रिमिनल मान को धरिया पई चेष्टा करुछु एही सब ज्यूरिसडिक्शन गोटे चैलेंज हेइ थाए। कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स एक्सट्रीमली useful and productive in so far as ensuring that the elections are held in the most peaceful manner without as little problems as possible. नक्सल ऑपरेशंस में जैसा कि आप सबको मालूम है काफी लंबे समय से ऑपरेशन चल रहा उसको और तेज करने की जरूरत होती है और इंटेलिजेंस शेयरिंग मजबूत उसकी जरूरत होती है तो उसको हम उस तरीके से सर ओडिशा रे वर्तमान समय हो जी गोटे छोटिया ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत। भुवनेश्वर रंगमाटिया तलसाही में बाघ बुलुवा अभियोग आसवा पर स्थिति अनुधान कर सिटी डीएफओ अशोक मिश्र अनुधान पर डीएफओ कहते कलरापतरिया बाघर पादचिह होना तेणु एक् भयभीत होवार उचित नुहे। पूर्व रंगमाटिया तलसाही में एक कलरापतरिया बाघ बुलुवा लोके देखा पर स्थानीय अंचल आतंक खेली कि लोक बाघ देखा कह परे वन विभाग पहुंची बाघर पादचिह संग्रह करिथिला। एने सूचना मिलवा परे शुक्रवार प्राय 3 घंटा जंगल भितरे खानतलासी करिथिला जंगल विभाग हेले बाघर कौनसी पत्ता मिली नथिला। से कहउछन्ति ओटे कळा हेकरि जीवो जोटा कि तार मुह देखि नहांती पछाडु देखिले लांज देखिले आउ से किसी देखी थी पारे कि पारिपार्श्विक जो पाद चिन्ह है कन्फर्म करूनी कलरापतरिया बाघर भयभीत तो पूरा अच्छा कालीठ पूरा भयभीत हो तेणु आम चाहू सियोर रहें जेहेतु वन विभाग नहीं वन विभाग दे सारापर तर प्रमाण मिलगला आम चाहू से पेट्रोलिंग करते शीघ्र धरले आम उपकृत हो पलाशपल्ली जो आसला से लोक कहते चंद्रका पटर पलि कारण अबिका भी आसे चंद्रका फांका एपटे काले पलि आस आम अनुमान करू चंद्रका पटर मेघटी पलि आ पारिवारिक कलहर हत्याकांड सामान्य बचास्तार शश्वर को शावल पिटीपिटी हत्या कर जयपुर सदर थाना बाट जगन्नाथपुर गांव में घटी अभावनीय घटना मिलता सूचना अनुजाई माघ पूर्णमी पर्व गांव सबु लोके एकाठी होती बाट जगन्नाथपुर उत्सव को चक्रजानी बोहु और नातुणी जा नहीं ससुर चक्र एवं बोहु हरामणी बचासा होता हरामणि उत्त्यक्त हो ससुर चक्र को शावल आक्रमण करते गुरुतर अवस्था गांव लोके चक्र उद्धार कर डाक्तखाना ने आंबुलांस को फोन करते मात्र आंबुलांस पहुंचे विलंब होवर चक्र मृत्यु होता पुलिस हरामणी को गिरफ्त कर घटनार तदंत आरंभ कर पार्टी चंद कला कहीं तु तो आसलु ना खाईपी नातुणी को हेल्ले पठे था बोल कि ये पार्टी चंद कलु सी दुज उभय पार्टी चंद हेल्ला से भितर शावल गोटे आणिक मुंड में मारदेला गरीब
पानी टैंकर रे गंजेई चालाण विपुल परिमाणर गंजेई जबत करिछि रायगडा पुलिस। पद्मपुर थाना पाजिली बंध निकट रे एक पानी टैंकर को अटकाइथिला पुलिस। तेबे जेराबेले तालमेल न रहिबारु पुलिस टैंकर तनखी करिथिला। टैंकर भितरु 4 क्विंटल 36 किलोग्राम गंजेई जबत करिथिला पुलिस। घटनारे 4 जण गिरफ होइछन्ति। गिरफ व्यक्ति माने हेले तमिलनाडु रो के मुगाना, रायगडार पी पेरामोला, जे जांगराओ एवं लांगी माझी। सेवानक निकटरु 23,000 टंका, 2 बाइक, 4 मोबाइल मध्य जबत होइछि। ए गंजेई तमिलनाडु को चालाण होइथिला। सेपटे अन्य एक घटनारे चांदली थाना कासली ग्राम निकटरु 71 किलोग्राम गंजेई मध्य जबत होइछि। घटनारे 2 जण को गिरफ करा जाइछि। केजी गंजेई बाहरला, जोथे र गंजेई 433 केजी माने नेट गंजेई अछि। आ 2 मोटरसाइकिल जबत होइछि। ता संगे आमर गोटे ट्रैक्टर आ 4 मोबाइल कैश 23,000 टका जबत करा जाइछि। परवर्ती खबर को ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे रोगी को एक्सपायरी रक्त पैकेट दिया जायतिबा अभियोग होईछि। तबे ठीक समय रे डाक्टर एहा जानी परिवारु एक बड़ अघटन को एड़ाई दिया जायछि। अभियोग अनुसार एमकेसीजी डाक्टरखाना रे चिकित्सित होईथिबा गंजाम जिला जरोडा अंचल पद्मावती प्रधान को 3 यूनिट रक्त देबाकु डाक्टर कहिथिले। रोगी संपर्कीय 20 तारीख रे 2 यूनिट रक्त दान करिथिले। गतकाली रक्त भंडारु गोटी यूनिट रक्त आनी डाक्टर जांच करिबा बेले तार एक्सपायरी डेट चली जाइथिबा देखिबाकु पाइथिले। ई घटना जणा पडिबा परे डाक्टरखाना रे उत्तेजना प्रकाश पाइथिला। एने रोगी संपर्कीय ब्रह्मपुर उपजिलापालंकर द्वारस्थ होइथिले। अतिरिक्त उपजिलापाल रक्त भंडार को आसी घटनार तदंत करुछन्ति। पेशेंट नाउ जी पद्मावती प्रधान, तांको 2 ब्लड जो आमे डोनेट करथिलु, गोटे ब्लड काली आमे आनीथिलु, सेटा आज डॉक्टर माने एक्सपायर बोली कहले आ पेशेंट को ब्लड देनु। लिखाई है 2/7/2019 एक्सपायर डेट लिखाई है। एक्सपायर रोगी तो क्षति बहुत होता आती डॉक्टर को भूल रहा है, ये भूल रोक ब्लड बैंक बोधे अजाणत रहो कि जानते रहो गोटे भूल जिनसापर से तर्जमा करूँ यहाँ कहीं भूल है कौन है जेहे दक्षिणांचल गोटे मुख्य केन्द्रस्थल ब्लड बैंक समस्ते यहाँ पर आशा रखुं ए जिनस आगू कमी भूल न हो मुझे अनुरोध कर ब्लड बैंक को एक्सपायरी किसी यूज है किसी इश्यू है ना ना कहीं है सब बहुत मिछ हुए बहुत मिछ ना ना आम कि लाइट नौनु आम जमा कि लाइट नौनु वे आर डुईंग द वर्क वेरी सीरीयसली सिंसियर। दिल्ली में उज्ज्वला स्वाभिमान उत्सव उत्सव में सामिल हेले वैदेशिक व्यापार मंत्री सुषमा स्वराज और केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। 30 जिलार 50,000 महिला हिताधिकारी जोगद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया हिताधिकारी आलोचना करिछन्ति दुई मंत्री। सेहिपरि ओडिसार 30 जिलार पालन कराइछि उज्ज्वला स्वाभिमान उत्सव। राज्यर समस्त जिलारु प्राय 50,000 महिला जोगदेइछन्ति एही उत्सवरे। बालेश्वर जिला भोगराय निर्वाचन मंडलीर देहुरदा, मयूरभंजर जसीपुरर माटियागड़, कोरापुटर निसाणी मुंडा, जाजपुरर कंतियामाला प्रभृति 30 जिला 50,000 उज्ज्वला हिताधिकारी सहित सीधासलख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम आलोचना करिछन्ति। देशरे आज 6,75,00,000 भौणी घरे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लग सारा आम आसवा बेले 13 घरे उज्ज्वला एलपीजी कनेक्शन थिला। आज देश में या सांगरे विगत 4 वर्ष 9 मास भितर आउ 13 संयोग भी हो सारा। आज देश में एलपीजी कनेक्शन संख्या 26 है। 92-93% लोकों घरे स्वच्छ ईंधन पहुंची सारा। आरंभ हेबो उज्ज्वला दीदी कार्यक्रम। शनिवार उज्ज्वला दीदी सम्मेलन रे उद्घाटन करिवे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। तृणमूल स्तर एलपीजी व्यवहार नहीं लोकों सचेतन कराइबा सह एलपीजी व्यवहार वृद्धि उद्देश्य रे आरंभ हेबो उज्ज्वला दीदी कार्यक्रम। एने 10,000 उज्ज्वला दीदी को चिन्हट करा जायछे। सेमाने प्रति पंचायत बुली ग्रामांचल रे एलपीजी व्यवहार संपर्क में महिला बुझाइबे। शनिवार मंचेश्वर रेलबाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पड़िया रे उज्ज्वला दीदी सम्मेलन आयोजित हेबो।
मुख्यमंत्री अध्यक्षतार सचिवालय में बसिता क्याबिनेट बैठक में 28 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। क्याबिनेट बैठक पर मुख्य शासन सचिव आदित्य प्रसाद पाढ़ी सूचना देते राज्य सरकार खुशी योजन 17,25,000 छात्री सामिल मगणारे स्कूल बंटन हो सानिटरी नापकिन खुशी योजन 5 वर्ष खर्च हो 466 कोटि टंका सेपरि 8,100 जन स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट एवं एएनएम को नियमित कराजिबो एथिपय वर्ष को खर्च हेबो 171 कोटी टंका ओडिसा होमियोपैथिक सर्विस रे वयस सीमा 32 रु 40 को वृद्धि करा जायछि। जेपीओ रे 5 वर्ष काम कले होई परिबे एडिशनल वीडियो जलसंपद विभाग रे 4 मेगा लिफ्ट प्रोजेक्ट को मध्य कैबिनेट रे अनुमोदन मिलिछि। वसुधा योजना रे 2 पाइप वाटर सप्लाई को मिलिछि अनुमोदन एथिरे बौद्ध जिला कंटामाळर 45 पंचायतवासी उपकृत होइपारिबे एथिपय खर्च हेबो 427 कोटी टंका सेपरि रातिरे आहार योजना पई क्याबिनेट मंजूरी मिलिछि सेपटे कालिया छात्रवृत्ति योजना को क्याबिनेट मंजूरी मिलिछि। एटा होचि लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर मानतर रिक्रूटमेंट रूल रे अमेंडमेंट आणा जायछि वर्तमान रिक्रूटमेंट ओडिशा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जरिया करा जिवो राज्य सरकार जो स्कीम आगर घोषणा करचंती माननीय मुख्यमंत्री खुशी स्कीम टा जो थरे की एडोलेसेंट झियो मानकर मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूट करा जाउची या फल रे आमे 17,25,000 झियो मानकु कवर करू कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट करितिलु नेशनल हेल्थ मिशन रे एनएचएम एवं ओडिशा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी आउ अन्यान्य स्कीम जरिया रे से मानकु रेगुलराइज करिया पई आज 6 रिक्रूटमेंट रूल अप्रूव करा जायछि। एटा कवर करूची स्टाफ नर्स मानकु लैबोरेटरी टेक्नीशियन मानकु एएनएम मानकु मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर मेल मानकु फार्मासिस्ट मानकु एवं रेडियोग्राफर मानकु एटा समस्त रिचि सारा ओडिसा को इटकिबा अधिक खबर पई लगन करंतु news18odia.com नमस्कार।